हेलो, दिस इज चंद्रशेखर सेन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर. स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस हेयर ऑन अ सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप दैट इज EE 209 एंड द टॉपिक ऑफ टूडेज ईवीयू लेक्चर इज टाइप ऑफ वायर जॉइंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक्स. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हम इस ई वीडियो लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का एक टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड इस यूज इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन. तो इसके बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे. तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन. यहाँ पर अलग अलग तरह के जो जॉइंट्स हैं वो बता रखे हैं. जॉइंट से मीनिंग हमारा यहाँ पर ये है कि जब हम वायरिंग करते हैं तो वायर के जॉइंट्स, वायर को आपस में जॉइंट्स करने की आवश्यकता होती है. तो हम हर तरह से जहाँ पर जैसी सुविधा हो उसके अनुसार हम जॉइंट बनाना, हमको जॉइंट बनाना पड़ता है. तो यहाँ कुछ जॉइंट बनाने के हमको तरीके बता रखे हैं जो कुछ इस तरह से हैं. जैसे नंबर फर्स्ट हमको दिखा रखा है यहाँ पर स्टेट ट्विस्ट जॉइंट. नंबर सेकेंड है हमारा ब्रिटानिया ट्विस्ट जॉइंट. नंबर थर्ड है हमारा मैरिड जॉइंट. नंबर फोर्थ है टी जॉइंट. और नंबर फाइव है हमारा डुप्लेक्स और डबल टी जॉइंट. और नंबर सिक्स है हमारा पिग टेल जॉइंट्स. तो इस तरह से कि डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेट ट्विस्ट जॉइंट्स के बारे में. तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट यूज टू जॉइन टू और मोर देन टू वायर्स. तो दो या दो से अधिक वायर अगर हमको जॉइंट करने हैं तो हमें इस तरह की वायरिंग जॉइंट हमको करना पड़ता है. इस जॉइंट को करने का जो प्रोसेस है वो देखा रखा है. देखिए, नाम से पता है स्टेट ट्विस्ट जॉइंट. स्टेट का मतलब सीधा, ट्विस्ट का मतलब मोड़ना, और जॉइंट यानी दो वायरों को आपस में जॉइंट करके मोड़ देते हैं, तो जिससे एक स्टेट जॉइंट हमारा तैयार हो जाता है. तो जो प्रोसेसर है वो इसका इस तरह से है कि फर्स्ट रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम एंड ऑफ बोथ वायर एंड केबल मिनिमम अप टू लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर. तो लगभग हमको जो दो वायर जॉइंट करने हैं उनको 8 सेंटीमीटर दूरी पर हमको उसका वायर, उसकी जो PVC है वो वहाँ इंसुलेशन है वहाँ से हटा देना चाहिए. क्लीन द एंड ऑफ वायर विथ सैंड पेपर, और उस वायर को सैंड पेपर से उसको क्लीन करना है. नंबर थर्ड, बैंड द टू वायर फ्रॉम 2 सेंटीमीटर एट 90 डिग्री. तो देखिए यहाँ दिखा रखा है कि जो दो वायर है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहाँ पर 90 डिग्री इसको टर्न कर देते हैं. उसके बाद जो हमारा ये वाला वायर है इसको हम इसके ऊपर टर्न करते जाते हैं, और ये वाला वायर है इसको हम इसके ऊपर टर्न करते जाते हैं, और फाइनली हमको इस तरह का जॉइंट मिलता है. इसको पूरा मोड़ेंगे तो हम देखिए एक बिल्कुल स्ट्रेट जॉइंट हमको यहाँ पर तैयार हो जाता है. तो इस तरह से हम यहाँ स्ट्रेट ट्विस्ट जॉइंट कर सकते हैं. तो यह है स्ट्रेट ट्विस्ट जॉइंट्स. नंबर सेकंड है ब्रिटानिया जॉइंट. तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ यूज टू जॉइन द अर्थिंग वायर. तो अर्थिंग वायर को अगर हमको जॉइंट करना है तो हमें इस तरह का ब्रिटानिया वायर जॉइंट करना पड़ता है. ब्रिटानिया वायर जॉइंट हमने देखे यहाँ पर, ये दिखा रखा आपको इस तरह से करना होता है. तो इसके अंदर है नंबर फर्स्ट, टेक अ बैंड अबाउट 45 डिग्री एट द एंड. तो लगभग 45 डिग्री का हमको यहाँ पर एक बैंड लेना है. प्लेस दोस एट ईच अदर डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ वायर मस्ट बी मिनिमम लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर. और एक दूसरे वायर को, जैसे इस वायर को दोनों वायर को लगभग 8 सेंटीमीटर पर ओवरलैप करना है. टेक अनदर वायर टू टर्निंग एंड टेक 6 to 8 turn फॉर जॉइंटिंग. और हमको एक अलग से दूसरा वायर लेना है और इन दोनों वायर के ऊपर लपेटते जाना है, इस तरह से लपेटते जाना है. ठीक है, सोल्ड द जॉइंट विथ सोल्डरिंग वायर. और बाद में अगर चाहें तो हम इसको वायर को सोल्डरिंग भी कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारा ब्रिटानिया जॉइंट है वो प्रिपेयर होता है. ठीक है, तो ये अर्थ वायर को जॉइंट करने के काम में आता है. नेक्स्ट इज है मैरिड जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज टू जॉइन द स्टैंडर्ड वायर ऑफ केबल एज शोन फिगर. स्टैंडर्ड वायर जो होती है, स्टैंड जो वायर होते हैं, यानी कि एक वायर के अंदर बहुत सारे कॉपर के वायर निकले होते हैं, उनको जॉइंट करने के लिए हमको मैरिड जॉइंट काम में लेना पड़ता है. तो इसका जो प्रोसेसर वो इस तरह से है, फर्स्ट रिमूव द इंस्टॉलेशन इंसुलेशन
फ्रॉम एंड ऑफ बोथ वायर अप टू 8 सेंटीमीटर, और लगभग 8 सेंटीमीटर पे हमको इसका इंसुलेशन हटाना है वायर का। उसके बाद उसको सैंड पेपर से साफ़ करना है, और उसके बाद उसके अंदर जो वायर निकलते हैं, देखिए इसके अंदर जैसे ही वायर निकाले, ये वायर है, ये वायर है, तो इन वायरों को इस तरफ रखना है और इस वायर को इस तरफ रखना है, और इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर टर्न करते हुए देखेंगे तो हम फाइनली हमको इस तरह का जॉइंट मिलेगा। तो ये हमारा कहलाता है मैरिड जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत मजबूत जॉइंट है जिसको हम स्ट्रेंथ वायर के अंदर काम में लेते हैं। टी जॉइंट है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ यूज टू गेट द कनेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल वायर। अगर कोई हमको एक वायर को 90 डिग्री पर नीचे ले जाना है या ऊपर ले जाना है तो हमको टी बनाना है, तो हमको टी बनाने के लिए इस तरह से देखिए, ये यहाँ पर टी बना हुआ है, ये इस तरह से ये वायर नीचे गया है, तो टी बनाने के लिए हमको ये मेथड काम में लेना पड़ता है। तो फर्स्ट पहले की जैसे इसको अपन क्या करते हैं, वायर को 5 सेंटीमीटर के आसपास अपन इंसुलेशन को हटा देते हैं। इंसुलेशन हटाने के बाद हम दूसरे वायर जो कि एक लेते हैं, 8 सेंटीमीटर लंबा वायर लेते हैं, उसको वहाँ से कट करके इंसुलेशन उसका हटा लेते हैं और इसको 90 डिग्री पर प्लेस करते हैं। इस तरह से आप हमने यहाँ पर इसको 90 डिग्री पर प्लेस किया और जो वायर है उसको हम फर्दर यहाँ पर टर्न कर देते हैं, ठीक है, और सोल्डरिंग वायर से सोल्डर करते हैं। तो इस तरह से हमारा टी जॉइंट तैयार होता है। तो जब कभी भी इस तरह की हमको वायर को कहीं 90 डिग्री पर ऊपर ले जाना है या नीचे लाना है तो हम टी जॉइंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट इज अ डुप्लेक्स और डबल टी जॉइंट। तो डुप्लेक्स और डबल टी जॉइंट इस तरह से देखो, डायग्राम में आपको दिखा रखा है, यहाँ पे ये डुप्लेक्स और डबल टी जॉइंट है, इस तरह से ये कहलाता है। तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज टू गेट कनेक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ टू कोर केबल। अगर कोई दो केबल है उसके बीच में से हमको कनेक्शन चाहिए इस तरह से तो हम ये डुप्लेक्स या डबल टी जॉइंट काम में लेते हैं। इसके अंदर सेम वही टी जॉइंट वाला मेथड है, लेकिन ये डबल है इसलिए इसको नाम दे दिया हमने डबल टी जॉइंट। मेथड हमारा वो सेम ही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पिकटेल जॉइंट। पिकटेल जॉइंट देखिए इस तरह से, अगर दो वायर किसी एक पॉइंट से मिल रहे हैं तो इट इज़ अ सिंपल जॉइंट यूज टू जॉइंट टू पैरेलल केबल ऑफ वायर। दो अगर पैरेलल वायर है उनको एक पॉइंट पर जोड़ने हैं तो पिकटेल इस तरह से जो पूंछ के तरीके से हम वायर को ट्विस्ट करते जाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वायर को लगभग 5 सेंटीमीटर दूरी पर इंसुलेशन हम हटा देते हैं और जो कॉपर के वायर को साफ करके आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा पिकटेल जॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट है जो हम वायरिंग सिस्टम में हम काम में लेते हैं। तो ये 5-6 तरह के जॉइंट्स हैं, इनको हम वायरिंग सिस्टम जब भी हम करते हैं उसके अंदर हम काम में लेते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ जो कि हमारा जॉइंट के ऊपर था। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।